आतिशबाजी और ये चमचमाती हुई रोशनी देखने में कितनी कमाल की दिख रही है। जी हाँ, पटाखे जिनका इस्तेमाल हम अपनी खुशियों को जाहिर करने के तौर पर बड़े सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स में करते हैं। अब ये पटाखों की आवाज भले ही हार्टबीट को बढ़ा दे, लेकिन कुछ भी कहो, हमारे चेहरे पर खुशी तो ले ही आती है ना। जी हाँ, इन रंग बिरंगी रोशनी को देखकर एक सवाल तो आपके मन में भी पटाखों को जलाते वक्त जरूर आता होगा कि आखिरकार ये फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि हर पटाखा एक दूसरे से अलग होता है और कोई लाल रोशनी देता है, कोई पीली देता है, कोई कैसे आवाज करता है ना, कोई गोल गोल घूमता है तो कोई सेकंड्स में साए करके ऊपर आसमान में उड़ जाता है और वहां जाके बूम फट जाता है। अब ये सब पटाखे इतने अलग अलग कैसे होते हैं, क्या कलाकारी की जाती है और इन पटाखों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक पटाखा फैक्ट्री में, जहां पर हम देखेंगे अपनी आंखों के सामने इन पटाखों को बनते हुए। ये देखिए, ये है पटाखा फैक्ट्री। यहां पर ये सभी पटाखे बनाए जाते हैं। इन हरे रंग के सुतली बॉम्बों को तो आपने खूब जलाया होगा, और अब हम देखेंगे फैक्ट्री में सुतली बम की मेकिंग कैसे शुरू होती है। यहां पर एक दफ्ती के एक बॉक्स में किसी खास तरह के मिश्रण, जिसको आम भाषा में बारूद कहते हैं, इसे भरा गया है और इसको ये आदमी बहुत अच्छे से दबा दबा कर छोटे आकार में बना देता है। अब इसके ऊपर फैक्ट्री में ही दूसरे वर्कर इस सुतली को इस तरह से टाइटली बांध रहे हैं। देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको लपेटने में काफी ताकत लग रही है, पर इस सुतली को इसमें क्यों बांधा जा रहा है? अरे याद कीजिए दोस्तों, ये वही सुतली है जो सुतली बॉम्ब में हरे रंग की हमें दिखाई देती है। असल में पटाखे की आवाज इसी सुतली की वजह से जोरदार हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है, जितना ज्यादा बारूद के ऊपर प्रेशर रहेगा, बारूद को फटकर बाहर निकलने में उतना प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा और उतनी ही आवाज ज्यादा आएगी। बस सिंपल सा लॉजिक, इसीलिए ये सुतली बॉम्ब को कसकर बांधा जाता है। धूप में अच्छे से सूख जाने के बाद अब वापस से इसे फैक्ट्री में अगले प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जिसमें इसमें एक होल किया जा रहा है। ये होल असल में सुतली के अंदर ट्रिगर लगाने के लिए किया जा रहा है। ट्रिगर सुतली बॉम्ब का वो हिस्सा है जिसमें हम माचिस से आग लगाते हैं और धम से दूर भाग देते हैं, है ना? और फिर कुछ ही देर बाद सुतली बॉम्ब फट जाता है। ट्रिगर फ्यूज के लिए छेद हो जाने के बाद अब इसमें ट्रिगर की ये सुतली जैसी बारूद की बनी हुई डोरी लगाई जाती है, और जिसके अंदर भी गन पाउडर भरा होता है, और यही आग को सुतली बॉम्ब तक ले जाने का काम करती है। ट्रिगर लग जाने के बाद अब सुतली बॉम्ब पर कंपनी के ब्रांड लेवल को लगा दिया जाता है और एक दफ्ती के बॉक्स में इसको रखकर सील कर दिया जाता है। अब ये सुतली बॉम्ब फैक्ट्री से मार्केट में पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार है और एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से जल्दी मार्केट में पहुंच जाएगा, जिसके बाद आप इनकी जोरदार आवाज का मजा ले सकेंगे। दोस्तों, सुतली बॉम्ब से भले ही लोग उसकी आवाज की वजह से डरते हों, लेकिन दिवाली के सेलिब्रेशन में फुलझड़ी के बगैर तो भाई बाकी के पटाखों को जलाना बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे डेजर्ट के बगैर खाने को खाना। सही कह रहा हूं ना मैं? अब खाने के बाद जिस तरह से कुछ मीठा हो जाए, वैसे ही सुतली बॉम्ब को जलाने के बाद जरा फुलझड़ी की चमकदारी हो जाए तो मजा आ जाए, है ना? बढ़िया स्पार्कल करती हुई रोशनी देखने को मिले तो बड़ा दिलकश और बेहतरीन नजारा होता है। जी हाँ, और इसकी तरफ हर कोई खींचा चला आता है और हर कोई अपने हाथों में लेकर इसके साथ खेलने लग जाता है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े। तो क्यों ना फुलझड़ी को बनता हुआ देखें, और ये देखना बहुत कमाल का होगा। अब हम यहाँ पर एक दूसरी फैक्ट्री में आ चुके हैं जहां पर फुलझड़ी बनाई जाती है, और फुलझड़ी के बनाने के लिए बारूद के एक पेस्ट को तैयार किया जाता है और जिसमें कुछ खास तरह के एडिशनल पदार्थों को भी मिलाया जाता है, जिससे इसमें जलाते वक्त स्पार्कलिंग यानी कि चिंगारियां पैदा होती हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं, जहां पर सबसे पहले फुलझड़ी के लिए तांबे की स्टिक को तैयार किया जा रहा है और इन स्टिक को लकड़ी के एक फ्रेम में बहुत खास तरीके से अरेंज किया जाता है। सभी स्टिक को थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाकर एक साथ कई स्टिक्स को इस फ्रेम में लगा दिया गया है। अब इस फ्रेम को टाइट करके ये लोग एक बारूद के घोल में इन स्टिक्स को डाल रहे हैं। एक बार इन स्टिक्स को डुबाकर बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा सुखाने के बाद यहां पर दोबारा फिर से इन स्टिक्स को इस पेस्ट में डाला जाता है, ताकि फुलझड़ी पर बारूद के पेस्ट की दो कोटिंग हो जाए।
इसके बाद इसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों तक अच्छे से सूख जाने के बाद अब इसके ऊपर मैग्नीशियम पाउडर को डाला जाता है। मैग्नीशियम की वजह से फुलझड़ी में चिंगारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। अब जिससे फाइनली फुलझड़ियां तैयार हो चुकी हैं और अब इन्हें 12 फुलझड़ियों के सेट को बनाकर दफ्ती के बॉक्स में पैक करके सील कर दिया जाता है। रात के वक्त आसमान को अपनी रोशनी से जगमगा देने वाले रॉकेट, याद आया, जो सुई करके जाता है, उसे कोई कैसे बोल सकता है यार। ये रॉकेट भले ही बहुत छोटे हों लेकिन आसमान में तो बहुत दूर तक जाते हैं ना, और सीटी की आवाज निकालते हुए पलक झपकते ही आसमान में पहुंच जाते हैं और फिर एक ब्लास्ट के साथ आसमान के चारों तरफ रोशनी बिखेर देते हैं। अब ये देखना शायद उससे भी ज्यादा मजेदार होगा। फैक्ट्री में रॉकेट बनाने की शुरुआत एक कार्डबोर्ड शीट से होती है। बड़ी सी शीट को काट कर गोल गोल कॉइन के रूप में बना लिया जाता है। ये गोल कॉइन का इस्तेमाल भला किस लिए किया जाएगा, ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक दूसरी कार्डबोर्ड शीट जो थोड़ी सी पतली है, इससे कागज के ट्यूब जैसी आकार की आकृति बना ली जाती है, जिसको मशीन और हाथों दोनों तरह से बनाया जाता है। सभी कार्ड शीट से बनी इन ट्यूब्स को एक साथ रखकर मशीन से काट लिया जाता है और फिर इन सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, जहां पर इस प्लेटफॉर्म पर मशीन से इसके एक तरफ के सिरे पर मिट्टी की तरह दिखने वाले एक लेप को भर कर इसे सील कर दिया जाता है और दूसरी तरफ खुले हुए सिरे से गन पाउडर भर दिया जाता है। इस रॉकेट में बारूद को भरते वक्त इसके बीच में कागज के बने हुए कार्डबोर्ड शीट के गोल कॉइन, जिनको पहले से फैक्ट्री में बनाया गया था, उन्हें इस रॉकेट में थोड़ा बारूद भरने के बाद डाला जाता है और फिर वापस इसके ऊपर फिर से बारूद डाला जाता है, जिससे आधे बारूद से रॉकेट आसमान में जाता है और आधे से फटकर आतिशबाजी करता है। गन पाउडर को भरने के बाद उसे थोड़ा सा प्रेशर डालकर अंदर सील कर दिया जाता है, जहां पर इनमें छेद करके ट्रिगर यानी कि फ्यूज लगा दिया जाता है। अब रॉकेट में अगले प्रोसेस में इसमें स्टिक और इसके ऊपर कागज की लेप लगाई जाएगी। कागज की पतली रेड कलर की शीट से कुछ मजदूर हाथों से कोन के शेप में बनाकर कैप को रॉकेट के ऊपर चिपका देते हैं। अब इन रॉकेट्स में स्टिक्स को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये रॉकेट अब पूरी तरह से तैयार है आसमान की सैर करने के लिए। अब इन रॉकेट्स को 12 12 या 10 10 के सेट में दफ्ती के डब्बों में रखकर पैक कर दिया जाता है। कंपनी के ब्रांड नेम के साथ इस तरह से ये रेडी हैं। रॉकेट से अगर आपको आनंद नहीं आता है तो आतिशबाजी का मजा आप इन लाल कलर की मिर्ची जैसे दिखने वाले छोटे छोटे पटाखों से भी ले सकते हैं, जो एक लड़ी के रूप में रहते हैं और इनको जलाते ही मशीन गन जैसी धड़ आवाज आती है, और जब तक ये पूरी तरह से जलकर खत्म नहीं हो जाते तब तक ये आवाज आती रहती है। तो चलिए देखते हैं कि ये लाल कलर के छोटी से मिर्ची पटाखे कैसे बनाए जाते हैं, जिनको क्रैकर्स कहा जाता है। क्रैकर्स को बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले लाल रंग के कागज के इस शीट को इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस लाल शीट को मशीन की मदद से रोल कर लिया जाता है, जिससे ये एक पतली ट्यूब के आकार में बन जाती है, और अब इस पतली ट्यूब को एक दूसरी मशीन की ओर ले जाया जाता है। जब कई सारी रेड कलर की कागज की ट्यूब बन चुकी होती है, इन सबको एक साथ रखकर अलाइन करके मशीन की मदद से एक साथ कट किया जाता है छोटे छोटे ट्यूब में, और अब ये पेपर ट्यूब जो कट चुकी है इनको इकट्ठा करके इनका एक कलेक्शन बना लिया जाता है, जो हेक्सागोनल आकृति का होता है। और इस सेट में कई सारे छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, इनको एक मशीन की मदद से एक खास लेप लगाकर इनके एक सिरे को सील कर दिया जाता है और दूसरा सिरा खुला हुआ होता है, जिसमें बारूद को फिल किया जाता है। अब ये मशीन इसमें बारूद और पटाखे के ट्रिगर फ्यूज को भी एक साथ लगा देती है। अब स्ट्रिप्स लग जाने के बाद ये पटाखा पूरी तरह से तैयार है। आपको सामने ये बड़ी सी मशीन दिखाई दे रही है ना, इस मशीन में ही इन क्रैकर्स की लड़ियां बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर मशीन की मदद से लड़ी बनाकर धागे से सिलाई की जाती है, जिससे ये लड़ियां खुलेंगी नहीं, और मशीन में ये लड़ी एक रोल के रूप में बन चुकी है, जो मार्केट में रोल के रूप में भी बिकता है, और कई बार इसके टुकड़े करके छोटे छोटे पैकेट में भी इसको बेचा जाता है। तो इस तरह से तैयार है 5 से 10 मिनट तक बिना कुछ किए बस माचिस की एक तीली दिखा देने पर लगातार मशीन गन जैसी आवाज करने वाले ये क्रैकर्स।
वैसे दोस्तों आपका फेवरेट पटाखा कौन सा है जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।